नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के 125 शब्दों के मॉडल क्वेश्चन आंसर्स आपके यूपीपीएससी मेंस 2018 के लिए। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके मेंस के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे रहा है ओनली फॉर 7800 रुपीज़। यहाँ पर हमारे कोर्सेज के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं तो कंपलसरी है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पेड कोर्सेज भी दे रहा है सारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे आपकी UPSC हो या फिर कोई भी PCS एग्जाम हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोई भी इंक्वायरी है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का हम लोग देख रहे हैं 21वां सवाल, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको डाइवेस्टिचर भी कहते हैं। इट रेफर्स टू गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग इट्स एसेट्स और स्टेक्स इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेसिकली क्या होती हैं, दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इसमें अपनी जो शेयर होल्डिंग है यानी कि जो स्टेक्स हैं इसके, इसको सेल कर दी है, इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी इसी गवर्नमेंट की इस PSU में, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। PSEs जैसे कौन सी हो गई, NTPC हो गया आपका, भेल हो गया, ये सब आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टेक सेल किसको करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर को। तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट इज लाइक योर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, बट ये प्राइवेटाइजेशन तभी कहलाएगा जब ये मोर देन 50% जो है आपकी शेयर होल्डिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा होगी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये क्या है आपका, दीपम, डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये याद रख लीजिए। ठीक है ना, ये नोडल एजेंसी है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ये तब होता है व्हेन PSU जो है इट स्टार्ट्स इनकरिंग लॉस। जैसे अभी आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर में जो आपकी PSUs हैं, जैसे कि BSNL एंड MTNL, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा लॉसेज जो हैं इनकर कर रही हैं। तो देर आर टॉक्स बींग हेल्ड कि इस चीज़ को प्राइवेटाइज किया जाए। ऐसे एयर इंडिया है आपका, है ना, उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो जब भी आपका PSU इट स्टार्ट्स इनकरिंग लॉस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसे का नुकसान, यानी कि लॉस होने लगता है उसके रेवेन्यू में, तब क्या होता है, गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट डिसइन्वेस्टिंग एंड प्राइवेटाइजिंग दैट पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीड्स हैं ये गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है फंड करने में अपने फिजिकल डेफिसिट को। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रेवेन्यू माइनस योर टोटल, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, है ना, ये आपको होता है फिजिकल डेफिसिट। इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोरोइंग्स, राइट। सॉरी, आपकी फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट इज योर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ से आप बोरोइंग्स जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू आपका जब भी एक्सपेंडिचर से कम होगा, ठीक है, यानी कि आमदनी आपके खर्चे से कम है, तब क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट। बोरोइंग्स मतलब बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट्स या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी होती हैं। रंगराजन कमेटी जो है 1993 में इसने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट अपनी इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डिंग होती है वो रिड्यूस कर दे अप टू 49% इन केसेज ऑफ 6 इंडस्ट्रीज। ये कोल एंड लिग्नाइट था, मिनरल ऑयल, आर्म्स एमिनेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, रेडियो एक्टिव मिनरल्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दो इट इज अगेंस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इंडिया क्या है, इंडिया हैज बीन बेसिकली अ सोशलिस्ट कंट्री, है ना, एक सोशलिस्ट कंट्री है, भले ही मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं, बट वी आर लीनिंग मोर टुवर्ड्स अ सोशलिस्ट साइड। जहाँ पे क्या होता है, ऑल दी रिसोर्सेज जो हैं दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वो गवर्नमेंट जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनको। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है आपका क्या, अ डिसइन्वेस्टमेंट। बट ये रंगराजन कमेटी कब सेटअप की गई थी, 1993 में, विच वॉज इन द वेक ऑफ LPG रिफॉर्म्स। नाउ नोट, LPG रिफॉर्म्स भले कहा जाता है कि मनमोहन सिंह वॉज दी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस LPG, लेकिन ट्रूथ इज LPG रिफॉर्म्स वर फोर्स्ड अपॉन इंडिया बाय द IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, ताकि हम लोग अपना जो बैलेंस शीट है उसको हम लोग करेक्ट कर सकें। ठीक है, POP, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP क्राइसिस हो गया था उसमें।
तो ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है विच इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पॉपुलेशन. इससे क्या होगा, मोनोपोली हो सकती है, ओलिगोपोलिस्टिक. ओलिगोपोलिस्टिक क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच प्रैक्टिस, मतलब वो साथ में प्राइसेस वगैरह रेगुलेट करेंगे इन द मार्केट, यानी कि मार्केट कंट्रोल करेंगे दो या तीन कंपनीज मिलकर, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा हो सकती हैं. मोनोपोली मतलब एक सिंगल कंपनी जो है पूरे मार्केट को डोमिनेट करेगी और कोई कंपनी को सर्वाइव करने नहीं देगी. 22वां सवाल क्या है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ आजीविका ग्राम ग्रामीण एक्सप्रेस योजना अगेयर, ठीक है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है. अब ये क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग. ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. फीचर्स क्या हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ये ऑपरेट करेगी. जो SHGs हैं आपकी, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये क्या होता है, कलेक्शन ग्रुप ऑफ वुमेन जो अपने सारे रिसोर्सेज पूल करती हैं, ठीक है. तो SHGs जो हैं ये ऑपरेट करेंगी रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस बैकवर्ड एरियाज में. ये प्राइमरली वेमेन होती हैं, मेन भी हो सकते हैं बट प्राइमरली वेमेन के लिए होता है. तो ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेट किया जाएगा SHGs द्वारा बैकवर्ड एरियाज में, जो प्रोवाइड करेंगी सेफ अफोर्डेबल कम्युनिटी मॉनिटर्ड, ठीक है, सेफ अफोर्डेबल कम्युनिटी मॉनिटर्ड रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू कनेक्ट विथ रिमोट विलेजेस विथ की सर्विसेज एंड एमिनिटीज. ये साथ ही में एडिशनल एवेन्यू देगा लाइवलीहुड का फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF जो है ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है. एंड दिस विल बी यूटिलाइज टू सपोर्ट द SHG मेंबर्स इन दिस न्यू लाइवलीहुड इनिशिएटिव. जो SHG मेंबर बेनिफिशियरी है इसको प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट फ्री लोन बाय द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने CIF से, जो फंड थी आपकी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, अप टू ₹6.5 lakh फॉर द परचेज ऑफ दिस व्हीकल. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सप्रेस योजना क्या है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना क्या है, ये बेसिकली रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी जो डिस्टेंट रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी लैकिंग है वहाँ पे आप सर्विसेज एंड एमिनिटीज जो है पहुँचा सकें थ्रू योर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. ट्रांसपोर्ट सर्विस ये ऑपरेट कौन करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है. कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये सेटअप किया जाएगा टू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है, जो SHG मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे, लोन देंगे इनको इंटरेस्ट फ्री, कितना, 6.5 lakh तक का, ताकि अपना एक व्हीकल खरीद सकें जिसे ऑपरेट कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग दिस ट्रांसपोर्ट सर्विस. इज दिस क्लियर. एडिशनल फीचर्स देखे जाए तो CBO है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि CBO जो है SHG को व्हीकल दे सकता है ना. पिछले पेज पे हमने देखा था यहाँ पे कि CBO जो है लोन दे सकता है SHG मेंबर को कि वो अपना व्हीकल खरीदे, ठीक है, या फिर जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद ही व्हीकल ओन कर सकता है, लीज कर सकता है SHG मेंबर को. जैसे आपने ओला उबर में देखा होगा, ओला में क्या होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं किसी और की होती हैं ना, वो क्या है, ड्राइवर्स को हायर करते हैं और उन ड्राइवर्स को सैलरी वगैरह पे करते हैं. तो इसी टाइप से जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है व्हीकल खुद ही खरीद सकती है और ये किसी SHG मेंबर को लीज पे दे सकती है कि वो व्हीकल को ऑपरेट करे और उसे लीज रेंटल और सॉरी जो लीज रेंटल है वो अपने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को पे करती रहे, उसके बदले में उसको सैलरी वगैरह दिया जाएगा जो आपके SHG मेंबर है उसे कॉम्पनसेट किया जाएगा, तो एडिशनल लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा. अगेयर जो है आपका, दिस विल बी इनिशियली इंप्लीमेंटेड इन 250 ब्लॉक्स इन द कंट्री पायलट बेसिस में. ईच ब्लॉक को 6 व्हीकल दिया जाएगा ताकि ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को ऑपरेट कर सके. बैकवर्डनेस, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्विस, ये गाइडिंग फैक्टर्स होंगी इन द सिलेक्शन ऑफ दीज ब्लॉक्स एंड रूट्स. यानी कि बैकवर्डनेस, ठीक है, पिछड़ापन, ट्रांसपोर्टेशन लिंक की कमी होना, लैक है वहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्विस, ये आपके फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप ब्लॉक्स एंड रूट्स को सिलेक्ट करेंगे. बिसाइड्स दिस, जो ब्लॉक्स हैं दीज विल बी सिलेक्टेड बाय स्टेट जहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंटेंसिवली, एंड जहाँ पे CBOs जो हैं मेच्योर CBOs ऑलरेडी फंक्शनिंग. फीजिबिलिटी सर्वे कंडक्ट किया जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सर्विसेज required will be done by the SRLM, यानी कि State Rural Livelihood Missions. SHG member run करेगा vehicle on the approved routes at predetermined frequency, यानी कि frequency आपकी पहले decide होगी. Frequency मतलब कि हर आधे घंटे पर चलनी है या फिर हर 15 minutes पर चलेगी, इस टाइप से, ठीक है. As agreed by the CBO and the SHG operator based on financial viability and the need for transport link. Financial viability मतलब
कि रेवेन्यू आपका ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, यानी कि उतने पैसेंजर बैठना चाहिए उसके हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी होगी ताकि आपको प्रॉपर जो है पैसा वैसा मिलता रहे। व्हीकल्स जो स्कीम में है इनका कुछ सर्टन कलर कोडिंग होगा एंड ये अगे ब्रांडिंग कैरी करेंगे ताकि इनकी आइडेंटिटी इंश्योर्ड रहे और डाइवर्जन किसी और रूट पे ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो अपने प्री अप्रूव्ड जो रूट्स हैं उसी पे ये लोग चलेंगे। 23वां सवाल, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, दिस हैज बीन अ हब फॉर द लेदर इंडस्ट्री फॉर ईयर्स। उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है ये लेदर इंडस्ट्री का हब रहा है काफी सालों से, चब नहीं है हब है ये, ठीक है ना। वॉट आर द इनकम्बेंट कॉजेज फॉर इट्स फेसिंग डिस्ट्रेस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। देखो इंडिया जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर एंड लेदर गार्मेंट्स इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है ना, एंड 12.93% वर्ल्ड का पूरा लेदर प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री ये चैलेंजेस क्या फेस कर रही है जो लेदर इंडस्ट्री है? सबसे पहला पॉल्यूशन, कन्वेंशनल जो टैनिंग प्रोसेस है इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड एफ्लुएंट जो आपका लाइट लेदर प्रोसेसिंग से निकलता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्रोमियम सल्फाइड सॉलिड वेस्ट। रॉ मटेरियल देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का पॉइंट आउट करता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर, ये इम्पेडमेंट है रॉ मटेरियल सप्लायर का, ठीक है। लैक ऑफ वेयर हाउसिंग सपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट इट रिजल्ट्स इनटू ह्यूज लॉस ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए द गवर्नमेंट बैक्ड आरएनडी फैसिलिटीज जो हैं दे आर वेरी रिमोट, ठीक है, फ्रॉम एवरीडे प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लेदर मेकिंग। ट्रेड बैरियर्स देखा जाए तो इंडियन लेदर एक्सपोर्ट ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों फेस करता है फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंज जो आपकी लेदर इंडस्ट्री फेस कर रही है। 24वां सवाल है आपका, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड व्हाई हैव दे गेन्ड रेलेवेंस ओवर द ईयर्स, ठीक है। सी सेबी, सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सॉरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सेबी के अकॉर्डिंग इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इशूड बाय एन एंटिटी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डेट रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डेट क्या होता है? लोन फ्रॉम इन्वेस्टर्स फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर ये देखिए सेबी का फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अगर कुछ गलत बोला हो तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा उसको। इट इज़ नॉट स्टॉक एक्सचेंज, इट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी के अकॉर्डिंग जो ग्रीन बॉन्ड होती है, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? बॉन्ड अपने आप में ही आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या हुआ आपका? बॉन्ड क्या होता है? इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डेट रेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, डेट रेज करना है आपको। डेट रेज कैसे करोगे आप? डेट रेज करना मतलब लोन उठाना है आपको, उधार, ठीक है। कैसे उठाओगे आप? बॉन्ड्स इशू करके। आप बॉन्ड देंगे, मान लीजिए 10 लाख का आपने बॉन्ड दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक सिक्योरिटी दी है किसी इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर आपको 10 लाख देगा, आप उसको बॉन्ड पकड़ाएंगे और इन्वेस्टर को कहेंगे कि अभी आप मुझे 10 लाख दीजिए और मैं आपको कुछ टाइम के बाद 10 लाख पे एक कूपन रेट होता है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के बराबर ही होता है, वो इंटरेस्ट के साथ आपको 10 लाख अमाउंट वापस दूंगा। तो बॉन्ड बेसिकली क्या काम कर रहा है? सिक्योरिटी। एंड बॉन्ड की मदद से जो आपका जो इशू कर रहा है, बॉन्ड इशूअर जो है आपका, दैट बिकम्स योर द पर्सन हु इज रेजिंग डेट, यानी कि जो लोन ले रहा है। और इन्वेस्टर कौन हो गया? जो बॉन्ड खरीद रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रीन उसमें जुड़ जाता है, यानी कि मतलब क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर बॉन्ड इशू किया जाए तो हम उसको क्या टर्म कर देते हैं? इट इज ग्रीन बॉन्ड। समझ में आया? तो बॉन्ड क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट। ग्रीन बॉन्ड मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। ग्रीन प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे रेन्यूबल एनर्जी हो गया, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह हो गए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इसमें कुछ मेन सिग्निफिकेंट फीचर्स होती हैं जैसे इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव। ये टिपिकली एक लोअर इंटरेस्ट रेट कैरी करती हैं दैन द लोन्स ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव यानी कि जो आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, ठीक है, इट कैरीज अ लोअर इंटरेस्ट रेट दैन द लोन्स दैट आर ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस कर देती हैं, ब्रांड को प्रमोट करती हैं, इन्हांसेस इशूअर्स रेपुटेशन
as it helps in showcasing their commitment towards sustainable development. नए इन्वेस्टर्स को टैप करता है, अकाउंटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टर को बेनिफिट देता है ये, ठीक है। साथ ही में इट हेल्प्स इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग INDC मतलब क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो हमने कब डिटर्मिन किए हैं, इन योर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, ठीक है, विच वॉज साइंड इन 2015। तो हेल्प्स इन अचीविंग INDC बाई 2030 एंड 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2022, जो कि हमारा टारगेट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो हम ग्रीन बॉन्ड्स की मदद से ये इन्वेस्टमेंट जो है रेज कर सकते हैं। साथ ही में जो आपके ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में भी मदद करता है, ठीक है। 25th क्वेश्चन, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है, FPCs, ये क्या होती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। सी, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं, ये हाइब्रिड होती हैं बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं अमंग द मेंबर्स। तो व्हाट आर योर FPCs? दे आर अ हाइब्रिड बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दैट प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स अमंग द मेंबर्स। FPCs फॉर्म्ड होता है बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स फॉर आइदर फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है और एक लीगल एंटिटी भी है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स फॉर आइदर फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज, रजिस्टर्ड बॉडी है, लीगल एंटिटी है कंपनीज एक्ट के तहत। लीगल एंटिटी क्यों हो गया? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म होती है। प्रोड्यूसर्स आर शेयर होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये बिजनेस एक्टिविटी से डील करती है विच रिलेट्स टू द प्राइमरी प्रोडक्ट। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट जो है दैट इज शेयर्ड अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड रेस्ट जो सरप्लस है दैट इज एडेड टू द ओन्ड फंड्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। इसमें कलेक्टिवाइजेशन होता है प्रोड्यूसर्स का, खासकर आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ताकि उनको कलेक्टिवली हेल्प कर सकें इन एड्रेसिंग मेनी ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेसिंग योर एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो खासकर जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, इनको हम कलेक्ट करते हैं एज प्रोड्यूसर्स, ताकि वो कलेक्टिवली इकट्ठा होके, ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड वाली बात है, यानी कि यू आर पूलिंग योर रिसोर्सेज टुगेदर, ताकि आप कलेक्टिवली मिलके एग्रीकल्चर सेक्टर को जो इश्यूज फेस कर रहा है उसको आप फाइट कर सकते हैं या फिर फेस कर सकते हैं। 26वां सवाल क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल, तो इसके अंडरलाइंग बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। देखिए बेनिफिट क्या होगा कमर्शियल माइनिंग का, इंक्रीज प्रोडक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी। कमर्शियल माइनिंग मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली अलाउ किया है कि वो भी माइनिंग कर सकती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंपोर्ट्स आपके कम होंगे, क्योंकि अगर आपकी प्राइवेट भी इन्वॉल्व होगी तो दे कैन एक्सप्लोर मोर और वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद की लगा सकते हैं। पावर सेक्टर को बेनिफिट करेगा, क्योंकि कोल आएगा तो हमारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स, है ना, यानी कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि कोल सेक्टर अभी जो आपके गवर्नमेंट के अंदर है तो उस मोनोपोली से कॉम्पिटिशन की ओर बढ़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल जो है एक्सट्रैक्ट करें। कोल बेयरिंग स्टेट्स जो हैं, जैसे झारखंड वगैरह हो गया, इनका डेवलपमेंट होगा, खासकर जो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री की बात की है, यानी कि झारखंड की, क्योंकि एंटायर रेवेन्यू इन ऑक्शन से इन्हीं स्टेट्स में जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, इट मे सी द राइज ऑफ लार्ज वर्टिकली इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनीज, जिनके इंटरेस्ट हैं कोल माइनिंग में, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल सप्लाई। लोगों को बेनिफिट करेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ ही में रीजन का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे भी लोगों का डेवलपमेंट होगा, यस। साथ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा, यस, बिकॉज इवन फॉरेन कंपनीज कैन पार्टिसिपेट इनटू दिस कोल माइनिंग, ठीक है। 27th क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो गवर्नमेंट हमारी इस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, एट वेरियस साइट्स। तो ये क्या होती हैं इसको हम देखते हैं अभी। देखो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, इमरजेंसी फ्यूल स्टोरेज है पेट्रोलियम का एंड इट इज़ मेंटेन्ड अंडरग्राउंड। तो इमरजेंसी फ्यूल स्टोरेज है, यानी कि हम लोग फ्यूल को स्टोर कर रहे हैं ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, और हमारी अगर देखिए हमारा जो इंडियन कोस्ट है, ठीक है, एंड चाइना हमें बेसिकली सराउंड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इट्स
ओबोर इनिशिएटिव, जिसमें इसका आता है मैरिटाइम सिल्क रूट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी कहते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो अगर ये सराउंड कर लेता है हमको, एंड सपोज इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर या फिर किसी और इमरजेंसी सिचुएशन में वी आर अनएबल टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम, ये मैक्सिमम पेट्रोलियम हमारा इम्पोर्ट होता है, हमारे सीलेंस जो है कट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, देन वी कैन रिजॉर्ट टू दी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हमारे इंडिया में क्रिएट किए गए हैं। ये क्या है? फ्यूअल स्टोरेज है, इमरजेंसी फ्यूअल स्टोरेज पेट्रोलियम का, इसे अंडरग्राउंड मेंटेन किया जाएगा। जो क्रूड ऑयल का स्टोरेज है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स एंड ये लोकेटेड है ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इनकर लेस एवेपोरेशन लॉस, ठीक है, देन ग्राउंड लेवल स्टोरेज। क्रूड ऑयल फ्रॉम दीज कैवर्न्स कैन बी सप्लाइड टू द इंडियन रिफाइनरीज आइदर थ्रू पाइपलाइंस और थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइपलाइंस। स्टोरेज फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन जो है ये कौन करेगा? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रेजेंटली आपकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है ये विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटका में, एंड पटूर आपका केरला में। तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पटूर, ये सारे आपके कोस्ट में हैं, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तीन और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को प्रपोज भी किए गए हैं, जहाँ पे वापस आपके SPRs जो है क्रिएट किए जाएंगे। अब एडिशनल इन्फो देख लीजिए आप, ये डेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया अराउंड 3.8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स एक दिन में कंज्यूम करता है, 3.8 मिलियन बैरल्स, ठीक है ना, एंड इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसमें से अराउंड 80%। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये प्रिडिक्ट करता है कि 2020 तक इंडिया लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर होगा, जिसके वजह से इसकी वल्नरेबिलिटी टू थ्रेट्स ऑफ फिजिकल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस एंड लार्ज प्राइस फ्लक्चुएशंस बढ़ सकता है। ठीक है, द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, जैसा कि IEA ने सेटअप किया है एंड इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी 2006 की, इट हैज़ रिकमेंडेड कि कंट्री को कम से कम 90 दिन का, यानी कि 3 महीने का कम से कम जो है रिजर्व इक्विवेलेंट, इमरजेंसी रिजर्व इक्विवेलेंट मेंटेन करना चाहिए ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स फॉर स्ट्रेटेजिक कम बफर स्टॉक पर्पसेस। इज दिस क्लियर? अब ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर ड्राई, व्हाई आर ड्राई पोर्ट्स इन इंडिया नॉट बीइंग एबल टू डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल? ठीक है, ड्राई पोर्ट्स और इंटरनल कंटेनर डिपो जो होती हैं, ये इनलैंड टर्मिनल होता है, नॉट कोस्टल। These are directly connected to a seaport by rail or road, जो similar services provide करता है as that of a seaport, such as handling, ठीक है, temporary storage, inspection and customs clearance for international freight. अब ये जो internal container depot हैं, इनके साथ issues क्या होती हैं? ICDs जो India में हैं, they containerize only 17-80% cargo, below the international standards of 76-70%. काफ़ी कारणों की वजह से, ठीक है, तो सिर्फ कंटेनराइज मतलब इतना ही कार्गो जो हैंडल कर पाती हैं, दैट इज 17-18%, विच इज़ मच लोअर एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है 76-77%। ड्राई पोर्ट का अंडर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन जो है वेरीज फ्रॉम एज लो एज 20-85% कुछ रीजन्स में, जिसकी वजह से ये बिजनेस अनइवन हो जाता है। गवर्नमेंट मोनोपोली, नियर गवर्नमेंट मोनोपोली है, 70% जो आपकी ICDs हैं, यानी कि इंटरनल कंटेनर डिपो जो है आपकी, दीज आर ओन बाय गवर्नमेंट ओन कंटेनर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ अ नवरत्न कंपनी, जो आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं। लोकेशन इशू, इंटरनल कंटेनर डिपो जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कंट्री, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है इसकी सस्टेनेबिलिटी को। कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर है, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है टू दी इंटरनल कंटेनर डेपो ये सफिशेंट नहीं है। पुअर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट आपका काफ़ी पुअर है, ठीक है। 29th क्वेश्चन देखा जाए तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ CSR इन इंडिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कंपनीज इंटीग्रेट करती हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स
अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एंड इंटरेक्शंस विद देयर स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट फर्म्स जो हैं ये यूटिलाइज करती हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा अपने ऑपरेशंस के लिए, सो दैट द फर्म्स हैं दे मस्ट गिव बैक समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। CSR क्या है? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहाँ पर कंपनीज इंटीग्रेट करती हैं सोशल एनवायरनमेंट कंसर्न अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एंड इंटरेक्शंस अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, एंड दे यूटिलाइज वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स अपने ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, ताकि फर्म्स जो हैं दे गिव बैक समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सेक्शन 135 जो है कंपनीज एक्ट का 2013 का, ये CSR प्रोविजंस कंटेन करता है जो कि कंपनीज को एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, CSR क्या हो गया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीस, कंपनीज कौन सी कंपनीज को जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर नेट वर्थ जो है इनका 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है, 5 करोड़ इंडियन रुपीस से ज़्यादा हो। ये एक्ट जो है आपका कंपनीज एक्ट, ये मैंडेट करता है कि कंपनीज एटलीस्ट 2% अपना एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का CSR एक्टिविटीज पे स्पेंड करेगी। ठीक है, शेड्यूल 7 जो है कंपनीज एक्ट का, ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज भी लिस्ट डाउन करती है जो कि फर्म जो है ले सकता है। ठीक है, समझ में आया? 30th क्वेश्चन क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडिया में है, व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय दिस, ठीक है, CSR। प्रोमिनेंट चैलेंजेस क्या क्या है? पॉलिसी की लैकिंग है, ठीक है, तो कैपेबिलिटी काफ़ी फर्म्स में लैकिंग है टू फॉर्मुलेट अ लॉन्ग टर्म रोबस्ट CSR पॉलिसी। इसके वजह से क्या होता है? देर इज फेलियर इन गिविंग डेफिनेटिव डायरेक्शंस टू CSR स्पेंडिंग। तो CSR स्पेंडिंग में डेफिनेटिव डायरेक्शंस नहीं दे पाते हैं बिकॉज एक रोबस्ट पॉलिसी जो है लैकिंग है। लोकल रिक्वायरमेंट्स डिस्कनेक्ट है, तो डिस्कनेक्ट जो है ये देखा जा सकता है इन वॉट रिक्वायरमेंट्स ऑन द ग्राउंड एंड वेयर द कंपनीज आर एलोकेटिंग मनी। Ease of implementation as basis. Many CSR efforts हैं, they are driven purely by the company's operational perspectives. So CSR efforts हैं, many of them are driven purely by company's operational perspectives. Awareness की कमी है in local communities about CSR. Lack of trust and interest of the local community. Lack of focus है rural areas पे. Many CSR initiatives and programs हैं, these are taken up in urban areas. ठीक है, inadequate monitoring है, independent agency नहीं exist करती है which can monitor and accreditate, यानी कि उसको rate कर सके जो CSR company की जो CSR efforts है. ठीक है, तो सबसे पहली बात policy lacking है, local requirements के साथ disconnect है, implementation नहीं है, ठीक है, मतलब ease of implementation lacking है, इसके बाद local company, local जो communities हैं वहाँ पर lack of awareness है about CSR activities, more focus इनका urban areas पे है, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग एजेंसी कोई इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करती है। 31वां सवाल क्या है? म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट जो है इंडिया में, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इट। ठीक है, मेन इश्यूज जो ड्वेल करती हैं अराउंड द म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट आर क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, अर्लियर 94 सिटीज विच आर पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, इनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मिली है BBB- एंड अबव, वाइल बाकी 29 देश हैं 39 सिटीज हैं इनको रेट किया है बिलो BBB-। ठीक है, तो क्रेडिट वर्दीनेस को अफेक्ट करने वाले क्या रीजंस हैं? 13th फाइनेंस कमीशन का जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट करता है कि म्यूनिसिपल टैक्स टू GDP जो रेशियो है सिर्फ 0.5% एज कम्पेयर टू सेंट्रल टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ 12%। समझे, यानी कि इसकी जो खुद की टैक्स रेजिंग कैपेबिलिटी है आपके म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस की, दैट इज वेरी लेस, सिर्फ अपना 0.5% रेस कर पाते हैं एज कंपेयर टू देयर GDP। म्यूनिसिपल बॉडीज की डिपेंडेंस है फॉर फंड्स एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। फंड्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स पे, एंड ये जो फंड्स का ट्रांसफर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, इसके वजह से जो आउटलुक है आपका फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ULBs, दैट इज हाईली इम्पैक्टेड except in a few big urban local bodies, जो budgeting and accounting system है urban local bodies का, इसमें अभी भी transparency lacking है which leaves the scope for misappropriation of assets,
and misleading picture of income and expenditure of urban local bodies. Buoyant sources of revenue जो हैं ये भी absent हैं for urban local bodies in the past. इसके वजह से क्या है, there is a reluctance to borrow in future. ठीक है, तो buoyant sources of revenue जो हैं urban local bodies के लिए, ठीक है, that is absent. ठीक है, इसके वजह से इनका reluctance हो गया है कि वापस borrow ना करें. Buoyant source of revenue मतलब revenue raise करने के जो तरीके हैं, that is almost absent. इसके बाद default के cases काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जब म्यूनिसिपैलिटी में जो डेथ है वो कुछ डेट जो है, डेट मतलब उधार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि अभी चाइना में देखा जा रहा है. ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जिसके वजह से आपकी म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है इंडिया में. 32nd क्वेश्चन है, व्हाई देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन रीसेंट ईयर्स. तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये क्यों, इस पर क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है इन रीसेंट ईयर्स. Reasons why we are emphasizing on rural electrification is gender empowerment. खासकर जो electrification है that affects women and girls more, क्योंकि इन्हें bear करना पड़ता है the primary responsibility for collecting firewood, cooking and other domestic work. इसके साथ साथ इंडिया का per capita power consumption जो है ये भी बढ़ेगा. इंडिया के जो discoms, discom मतलब distribution companies है, इनकी health improve होगी जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू हाउस होल्ड जो है विथ मीटर्स, एज इट विल क्रिएट डिमांड. पॉलिसी फॉर्मुलेशन आपकी इम्प्रूव होगी. ठीक है, वाई, बिकॉज अप्रोप्रिएटली आप एस्टिमेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं बजट फॉर कंप्लीट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. रूरल डिमांड बूस्ट करना, तो देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट इन द कंट्री. इलेक्ट्रिफिकेशन therefore ये एक फिलिप प्रोवाइड करेगा रूरल डिमांड को. क्लाइमेट कमिटमेंट अचीव करना बाय डिमिनिशिंग द यूज ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल्स का यूज डिमिनिश करके यू कैन अचीव क्लाइमेट कमिटमेंट. SDGs, एक्सेस टू एनर्जी सर्विसेज जो है ये क्रिटिकल है ताकि आप ह्यूमन डेवलपमेंट को एडवांस कर सको. 33rd क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फेम इंडिया स्कीम. फेम इंडिया स्कीम क्या है, देखिए फेम इंडिया स्कीम 33rd क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फेम इंडिया स्कीम. ठीक है, फेम इंडिया योजना, इसका वर्णन करना है आपने. सी, जो फेम इंडिया स्कीम है इसे डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने फॉर्मुलेट किया है एज पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020. इसका एम क्या है, इट विल सपोर्ट द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट डेवलपमेंट एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ताकि वो सेल्फ सस्टेनेंस जो है अचीव कर सके. ठीक है, अब 4 फोकस एरिया है इसमें, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप उसकी चार्जिंग भी करेंगे. ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है आपने, उसके बाद डिमांड क्रिएट करेंगे आप पब्लिक में, उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करेंगे एंड देन यू हैव टू क्रिएट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट यू कैन चार्ज योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. स्कीम कवर करेगा हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. साथ ही में प्रोवाइड करेगा डिमांड इंसेंटिव बायर्स के लिए, एंड यूजर्स कंज्यूमर्स के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एन अपफ्रंट रिड्यूस्ड प्राइस परचेज टू एनेबल वाइडर अडॉप्शन. फेम स्कीम जो है इट इज सिग्निफिकेंट इन द करंट सिनेरियो बिकॉज इट विल हेल्प टू रिड्यूस द व्हीकुलर कार्बन एमिशन. ठीक है, ये इंडिया की इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करेगा ताकि हमारा पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस कम हो. साथ ही में इट विल हेल्प अचीव INDC's इंटेंडेड नेशनल nationally determined contributions under the Paris Convention, and investment increase karega manufacturing sector mein due to various financial and fiscal incentives. Is this clear? The FAME scheme kya hai, significant hai because carbon emission reduce karega, import bill reduce karega, INDC achieve karne mein help karega, saath hi mein investment boost karega manufacturing sector mein. Theek hai, ab additional information dekha jaye to phase 2 jo hai FAME ka full form kya hai, faster adoption manufacturing of hybrid and electric vehicles. ठीक है, ये स्कीम प्रपोज करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक पुश देने का. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एंड सीक्स टू एनकरेज अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाई वे ऑफ मार्केट क्रिएशन. तो पहली बात आप मार्केट क्रिएट करेंगे इसके लिए एंड डिमांड को एग्रीगेट करेंगे. ड्राफ्ट स्कीम जो है इट एनविसेजेस होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईवी टेक्नोलॉजीज का एंड पुश टूवर्ड्स ग्रेटर इंडिजनाइजेशन। ये अभी स्कीम फाइनलाइज नहीं हुआ है, कोई प्रपोजल नहीं है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो मैन्युफैक्चरिंग ई बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें। 100% FDI बाय ऑटोमेटिक रूट परमिट की गई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फर्दर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये डी रेगुलेटेड सेक्टर है, दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर फ्री हैं टू कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर इंक्लूडिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस जो शुगर इंडस्ट्री आपकी उत्तर प्रदेश में फेस कर रही है। सी, जो मेजर चैलेंज आपकी शुगर इंडस्ट्री इज फेसिंग इन उत्तर प्रदेश इज, शुगर इंडस्ट्री का एक सीजनल कैरेक्टर है जिसकी वजह से मिल एंड जो वर्कर्स हैं दे आर आइडल, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर। शुगर रिकवरी का जो एवरेज रेट है फ्रॉम द शुगर केन इज लेस देन 10%, विच इज लोअर देन अदर शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज जैसे कि जावा, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे एटलीस्ट 14% है। फर्दर, जो शुगर प्रोडक्शन का कॉस्ट है इंडिया में ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, मेनली ड्यू टू हाई शुगर केन कॉस्ट, अन इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेस, इनएफिशियंट टेक्नोलॉजी, हाई टैक्सेस विच आर एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इंडस्ट्री जो है इट फेसेस प्रॉब्लम्स इन डिस्पोजिंग बाय प्रोडक्ट्स जैसे बगासे एंड मोलासेस। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है जो कि ड्यूअल प्राइस सिस्टम पे बेस्ड है, इट डिस्करेजेस द एंटरप्रेन्योर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर फर्दर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो ड्यूअल प्राइस सिस्टम पे बेस्ड है ये फर्दर डिस्करेज करती है एंटरप्रेन्योर्स को कि इन्वेस्टमेंट करें फॉर फर्दर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। कैबोटाज लॉ क्या है, कैबोटाज, ठीक है, दिस इज कैबोटाज लॉ, लेट अस स्टडी दिस। कैबोटाज क्या होता है, सबसे वाली बात, शिपिंग अलॉन्ग कोस्टल रोड्स बिटवीन फॉरेन सी पोर्ट्स एंड ऑल्सो टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन ऑफ वेसल्स बिटवीन सी पोर्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, इट इज गवर्न बाय मर्चेंट शिपिंग एक्ट MSA ऑफ 1958। ठीक है, कैबोटाज बेसिकली क्या हो गया, ये आपका अगर इंडियन कोस्ट है तो जो इनलैंड जो आपकी कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे जो शिपिंग होगी आपकी दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू योर डोमेस्टिक शिप्स ओनली। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वेसल्स जो है वो सी पोर्ट सिर्फ इसी में हो सकता है, इंडिया के सी पोर्ट्स में, और यहाँ पे फॉरेन जो आपके शिप्स हैं इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, टू नेविगेट दीज कोस्टल वाटरवेज, ताकि आपकी डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसको बचा के रखा जा सके। ठीक है, ये मर्चेंट शिपिंग एक्ट द्वारा गवर्न होती है। कार्गो ग्रोथ क्या होता है, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं दे नाउ कैन अट्रैक्ट कार्गो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और डिस्टेंट फॉरेन पोर्ट्स, ठीक है, विच वुड टर्न इंडियन पोर्ट्स इनटू मेजर ट्रांसशिपमेंट हब। टाइम कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज करेगा कंपेटिटिवनेस इंडियन ट्रेडर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का, बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई चेन लैग टाइम एंड ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट एट फॉरेन पोर्ट। ठीक है, कॉम्पिटिशन बूस्ट करेगा, अलाउ कोस्टल मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एम्प्टी कंटेनर्स बाय फॉरेन वेसल्स एज वेल, लीडिंग टू हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग शिपिंग लेन्स। ठीक है, कंजेशन ऑल्सो एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट सम इंडियन पोर्ट्स वाइल अदर पोर्ट्स फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स। ठीक है, समझ में आया, अभी क्या है, ये जो कैबोटाज लॉ है इसको अबॉलिश कर दिया गया है, जो कैबोटाज की रिस्ट्रिक्शन थी, अब क्या है, फॉरेन वेसल्स भी आपके कोस्टल वाटरवेज अप्लाई कर सकते हैं जिससे कार्गो का ग्रोथ होगा। ठीक है, फर्दर जो टाइम कॉस्ट सेविंग है, कंपेटिटिवनेस इंडियन ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ जाएगी। हाउ, क्योंकि ये सप्लाई चेन में जो लैग टाइम होता है उसको रिड्यूस कर देगा एंड ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट जो है फॉरेन पोर्ट पे उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेगा। कॉम्पिटिशन, क्योंकि अलाउ करेगा कोस्टल मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एम्प्टी कंटेनर्स बाई फॉरन वेसल्स, ताकि हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सके अमंग द शिपिंग लाइन्स। कंजेशन, ये एड्रेस करेगा द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट सम इंडियन पोर्ट वाइल दूसरे पोर्ट जो हैं दे आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स। एग्जैक्टली, 36th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस जो फेस करती है आपकी विच आर फेस्ड इन द कंप्लीट अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So what are the challenges that are faced in the complete adoption of renewable sources of energy? ठीक है,
They are awareness and capacity barriers, cost barriers pertains to capital investment costs of renewable energy technologies, particularly in the early stages of market growth. Infrastructure barriers pertains to the availability of needed infrastructure ताकि renewable energy को incorporate कर सके आप energy grid में, ठीक है? So that resulting in the curtailment of power from renewable sources. Institutional and administrative barriers, absence of clearly defined responsibilities, complicated licensing procedures, difficulty with land acquisition and permission. Market barriers, ये include करता है inconsistent pricing structures, जिससे disadvantage हो सकता है renewable के लिए. Irregular pricing of renewable energy products, information asymmetry, and environmental externalities into costs. Public acceptance and environmental barriers. ठीक है, तो ये constitute करता है constraints, जिसके वजह से renewable energy project जो है, it can be unsuitable for a specific location. ठीक है, तो ये आपकी complete adoption renewable source of energy में, ये कुछ आपके issues हैं. ठीक है, awareness and capacity barriers, cost barriers काफी ज़्यादा है, काफी ज़्यादा capital investment required होता है, because अभी भी जो इनके renewable energy technologies हैं, these are in only the early stages. Infrastructure के barriers जैसे wind energy वगैरह हो गई, इसमें काफी बड़े-बड़े turbines required होता है, land का issue हो जाता है, जो कि आपके administrative institutional barriers हो गए हैं, ठीक है, जहाँ पर land clearance, land acquisition वगैरह easily नहीं हो पाता. Market barriers अभी भी जो है pricing जो है काफी high है इसकी, जो renewable energy है, it is not viable. किसी भी इंडस्ट्री के फंक्शन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एंड इररेगुलर प्राइसिंग भी है, साथ ही में पब्लिक एक्सेप्टेंस और एनवायरमेंटल बैरियर्स भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैव बीन द इश्यूज दैट हैव बीन फेस्ड इन द स्मूथ एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम DMF. ठीक है, सबसे पहले हम स्कीम के बारे में देख लेते हैं. चलो यहाँ पे देखते हैं हम DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है, इसे मार्च 2015 में इंस्टीट्यूट किया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957. दिस इज योर MMDRA एक्ट. ठीक है, नो DMF ट्रस्ट हैज आइडेंटिफाइड इट्स बेनिफिशरीज. कुछ चैलेंजेस जो हैं, बेनिफिशरीज जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के हैं, इन्हें अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है बाई एनी ऑफ दीज ट्रस्ट. ठीक है, एक्सेसिव कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स का, प्लानिंग में लैकिंग है, एडहॉक इन्वेस्टमेंट्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स इन मोस्ट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ 3 out of 50 डिस्ट्रिक्ट स्टडीड, नो DMF हैज सेटअप एन ऑफिस फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एंगेजिंग कंसर्न ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है ये भी लैकिंग है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, खनिज क्या होता है आपका, मिनरल रिसोर्सेस. तो PMKKY जो है ये प्रोग्राम आपका सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि वेलफेयर हो सके उन एरियाज का और उन लोगों का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस. इसी के लिए आपका DMF सेटअप किया जाता है. ठीक है, ये जो आपकी स्कीम है, आपकी जो योजना है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है आपको, इसको DMF जो है इंप्लीमेंट करती है ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, यूजिंग फंड्स जो आते हैं आपके DMF को माइनर से. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंट वेरियस डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज. ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिमाइज करेगा, मिटिगेट करेगा एडवर्स इंपैक्ट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर माइनिंग ऑन द एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक्स ऑफ पीपल इन द माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स. साथ ही में इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द अफेक्टेड पीपल इन माइनिंग एरियाज. 38 क्या है, बैंक कंसोलिडेशन. ठीक है, अभी भी रिसेंटली न्यूज आया है बैंक कंसोलिडेशन का, इसके बेनिफिट्स क्या होता है. ठीक है, देखो, सम ऑफ द बेनिफिट्स आर टू मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ठीक है, तो काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसकी वजह से ओवरलैप होता है, इनएफिशिएंसी होती है. ठीक है, रिजॉल्विंग द NPA इशू, NPA इशू रिजॉल्व करेगा. कंसोलिडेशन इज बीइंग सीन एज अ वे आउट ऑफ द NPA इशू
through the strong banks, absorbing the strain on the blocks of weak on the books of weaker banks. Okay. Increase in business. Consolidation जो है आपके banks का, it will lead to substantial rise in customer base, market reach, offering more services of or products to customers. Global banks, consolidation जो है ये globally stronger competitive financial institution बनाएगा, which can compete with international banks as well. Cost cutting होगी, ठीक है, this is because of economies of scale. ठीक है, जितना आपकी बड़ी economy होती जाती है उतना आपका जो costs हैं वो गिरते जाते हैं. ठीक है, enhanced geographical reach होगा आपका, geographical reach बढ़ेगी. Greater capital and liquidity, capital and liquidity आपकी ज़्यादा होगी. Human resource enhance होगा. Disparity in wages for bank staff members ये reduce होगा. Service conditions जो है uniform होगी. ठीक है, 39th, WHO की air quality index जो है, it has portrayed a grim picture about majority of cities in Uttar Pradesh. क्या remedial measures लिए आ सकते हैं according to you, ठीक है, to improve the air quality index for majority of the cities in Uttar Pradesh. Following are the remedial measures, odd even policy rises भी है जिसे दिल्ली में practice किया जा रहा था, ठीक है, experimental basis पे. Odd even policy क्या है, एक दिन पे आपकी odd number वाली जो cars होती हैं, odd number plate वाली जो cars होंगी वो चलेंगी, दूसरे दिन पे आपकी even number. इससे क्या होगा, इससे क्या है, जो आपकी population है या फिर जो number of vehicles जो आपके road apply कर रहे हैं, that will reduce by half. Increasing the cost of diesel vehicles, ठीक है, as proposed by budget 2016-17. NGT का direction है of banning entry of diesel vehicles which are older than 10 years and ban on sale of heavy diesel private vehicles. BS6 norms को implement करना, इसे भी हम discuss कर चुके हैं, भारत standard norms नहीं है, भारत stage norms. New measures जैसे congestion charges, license quota system होना चाहिए, registration capping, parking charges, staggered working hours, इनको भी consider करना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, साथ ही में अर्बन प्लानिंग भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन डस्ट और जो डेमोलिशन एक्टिविटी होता है इसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, बिल्डिंग टारपोलिन अराउंड द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, कवरिंग द स्टोर एज वेल एज मूविंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एंड मास्क देना चाहिए वर्कर्स को, एंड स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए साइट पर, ताकि जो डस्ट हो रहा है वो ज़मीन पर सेटल डाउन हो जाए रादर दैन बींग स्प्रेड इन एयर. 40th question, what is e-waste and what are the challenges that are faced due to its prevalence? As per an export report by Asfuchim, KPMG, India fifth largest producer hai electronic waste ka in the world. Discard karta hai roughly 18.5 lakh metric ton of e-waste each year. 12% jo waste hai, this is contributed by telecom sector alone. 25% mobiles hai circulation mein, they end up in e-waste annually. 95% जो ई वेस्ट है कंट्री में, दैट इज हैंडल्ड बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. प्रेजेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इट सफर्स फ्रॉम हाईली अनसाइंटिफिक वे ऑफ हैंडलिंग वेस्ट, जो कि एक्सट्रीमली हजार्डस है टू द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑफ द कंट्री. रीसाइक्लिंग कैपेसिटी है, इसको बढ़ाने की जरूरत है. प्रेजेंटली ये हैंडल कर सकता है ओनली हाफ ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड. सेग्रीगेशन भी होना चाहिए अर्बन सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, इनटू ड्राई एंड लिक्विड वेस्ट, and so as to improve where many e-waste जो है mix हो जाती है. ठीक है, 41st question क्या है, recently there has been an underlying focus on securing the cyber space from becoming the fourth theater of warfare. इसको इतना importance अभी क्यों मिल गया. ठीक है, see cyber security क्या होता है, securing the cyber space from attack, damage, misuse, इकोनॉमिक एस्पियोनाज. एस्पियोनाज क्या होता है, स्पाइंग जो होती है. ठीक है, साइबर स्पेस जो है आपका, इट्स अ ग्लोबल डोमेन विद इन द इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर सिस्टम. तो साइबर सिक्योरिटी आप जानते ही हैं, साइबर स्पेस क्या, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, बेसिकली साइबर स्पेस को बचाना फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज, इकोनॉमिक एस्पियोनाज. ठीक है, इकोनॉमिक एस्पियोनाज क्या हो गया आपका, कि इकोनॉमिक डेटा आप चोरी कर लो किसी, जैसे आपके बैंक का अकाउंट, पासवर्ड है ना, इस टाइप से. साइबर स्पेस क्या होता है, ग्लोबल डोमेन है विद इन द इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट, जिसमें आपकी इंटरनेट आता है, टेलीकॉम के नेटवर्क्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं, ये सब.
अब साइबर सिक्योरिटी का नीड क्या है, इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, यानी गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं, वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि आधार, माई गॉव, ठीक है ना, ये सब आपकी जो प्रोग्राम्स हैं, तो इंडिया का जो मूव है टूवर्ड्स डिजिटल इंडिया, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने साइबर स्पेस को सिक्योर करें, ठीक है। स्टार्टअप्स का डिजिटल पुश जो है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हब है फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है। इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। साइबर थ्रेट्स जो हैं जैसे कि वॉनक्राई एंड पेटिया रैंसमवेयर, तो इंडिया फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स, इंडिया रैंक करता है थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स आफ्टर USA एंड चाइना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपकी बढ़ती जा रही हैं, 2020 तक, बाय 2020 50% जो ट्रैवल ट्रांजैक्शंस है ये ऑनलाइन होंगी, 70% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ये आपका मोबाइल से होगा। तो इन कारणों से आपको साइबर सिक्योरिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है इन इंडिया, ठीक है। क्यों? पहली बात तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स भी एक डिजिटल पुश दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट हब है फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स, ठीक है, एप्स इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी, इंडिया फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है वर्ल्ड में टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी सारा डेटा जो है आपका इवन बैंक्स वैंक से भी काफ़ी ज़्यादा लीक हुआ था, ठीक है, इट वॉज हैक्ड। इंक्रीजिंग इंटरनेट स्किम्ड हुआ था, स्किम बोलते हैं, स्किमिंग बोलते हैं जो डेटा है आपकी ली गई थी फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, स्टिल काफ़ी लोग जो है साइबर सिक्योरिटी को उतना बड़ा सीरियसली नहीं लेते या फिर थ्रेट नहीं मानते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, 2020 तक 50% ट्रैवल ट्रांजैक्शंस जो ऑनलाइन होंगी, 70% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मोबाइल के द्वारा होंगी, ठीक है। फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट द ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, ब्यूडापेस्ट, ठीक है। देखो सेलेंट फीचर्स क्या है, दिस कन्वेंशन बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, ये ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम को एड्रेस करता है बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज, इंप्रूविंग लीगल अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स, इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस, डील्स विद इश्यूज जैसे कि इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वायलेशंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, ये कॉमनल क्रिमिनल पॉलिसी परस्यू करता है स्पेशली बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन एंड फॉस्टरिंग इंटरनेशनल पॉलिसी, पुलिस एज वेल एज जुडिशियल कोऑपरेशन, प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड करता है टूल्स को ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके साइबर क्राइम का, एंड सिक्योरिंग ई एविडेंस इन रिलेशन टू एनी क्राइम मोर इफेक्टिव। इट इज सप्लीमेंटेड बाय प्रोटोकॉल ऑन जीनोफोबिया एंड रेसिज्म। जीनोफोबिया बता चुका हूँ, फॉरनर्स का जो फियर होता है या फिर हेटरेड फॉर फॉरनर्स, ठीक है, ये आपके खासकर यूरोप वगैरह में होता है, ठीक है, जैसे वहाँ पे जो अभी मिडल ईस्ट वगैरह से वेस्ट एशियन से जो मुस्लिम इमाइग्रेशन हो रहा है उनके खिलाफ जो है दे हैव लॉट ऑफ हेटरेड, ठीक है, या घृणा जो कहता है, ठीक है, दे वॉन्ट देम टू लीव देर लैंड्स। रेसिज्म जो होता है, रेसिज्म आपने जानते ही आप, काले गोरे का जो भेद है, ठीक है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, इवन अमेरिकन में, दीज आर कमिटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो कन्वेंशन जो है आपकी इसमें 56 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग US एंड UK, इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है। बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन किस पे है, साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कीवर्ड्स रिवाइज कर लीजिए, ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेट और कंप्यूटर क्राइम को एड्रेस करता है, ठीक है, कॉपीराइट ये सारी इंफ्रिंजमेंट्स को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, एंड एक कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी परस्यू करने के लिए एम करता है, ये जुडिशियल कोऑपरेशन भी इंकरेज करता है, प्रोसीजर लॉज को प्रोवाइड करता है, साथ ही में प्रोटोकॉल है इसका फॉर जीनोफोबिया एंड रेसिज्म, ठीक है। 43rd क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज बीन बेस्टोर्ड विद अ वास्ट कोस्ट लाइन, इट्स बून एज वेल एज बेन द कंट्री, डिस्कस द चैलेंजेस जो हमारी कंट्री फेस करती है इन टर्म्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। देखो चैलेंजेस जो इंडिया फेस करती है, दैट इज अक्यूमुलेटिव इन द पेट्रोलिंग एफर्ट्स एंड डिक्लाइन इन फिजिकल चेक्स ऑन फिशिंग वेसल्स बाय द कोस्टल पुलिस, लैंड एक्विजिशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एक्विजिशन में काफ़ी डिले होता है, इन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बैरक्स और स्टाफ क्वार्टर्स है, ठीक है, ये भी आपके काफ़ी इनफेक्टिव इन द सेंस काफ़ी लैकिंग है इसमें अभी भी, ठीक है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है मरीन पुलिस की, मरीन पुलिस जो है इसको ओवरऑल कोस्टल सिक्योरिटी दी है लेकिन इन ट्रेन नहीं किया गया काउंटर टेररिज्म के लिए।
ad hoc coordination despite the best efforts of National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security. ठीक है, ad hoc coordination despite best efforts. Lack of cooperative mechanism है नेवी कोस्ट गार्ड मरीन पुलिस के बीच में. ठीक है, ये क्या है, मारपोल. पोर्ट सिक्योरिटी जो है ये एक बड़ा या फिर मोस्ट निगलेक्टेड थ्रेट जो है एरिया जो है लिटोरल, लिटोरल मतलब जो सराउंडिंग एरिया है आपके कोस्ट का. ठीक है, आर्किटेक्चर में बिलो पार स्टेट लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर एग्जिस्टिंग नेवल एसेट्स. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है 2015 की, इट एनविसेजेस ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मैरिटाइम एजेंसीज, सिक्योर इंडियन ओशन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन कंटेम्प्रेरी असेसमेंट्स के लिए फॉर मैरिटाइम टेररिज्म पायरेसी एक्सेट्रा, मल्टीलैटरल मैरिटाइम एंगेजमेंट, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल कोऑपरेशन एक्सेट्रा. ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड सेट ऑफ GS3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे. टोटल 93 क्वेश्चंस हैं. दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर.